हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक इलेक्ट्रिक बोर्ड बनाने वाले हैं जिसको आप घर में आराम से बना सकते हो। अगर आप नए नए बोर्ड बनाना सीख रहे हो तो इस वीडियो को देखकर आपको थोड़ा सा भी मदद मिल सकता है। सभी स्विचों को बॉक्स से निकाल लिया है। अभी एक एक स्विच को हम स्क्रू से इसमें फिट करेंगे। स्विच के आगे एक पतला सा प्लास्टिक का लेयर रहता है, उसको आप स्क्रू से भी तोड़ सकते हो। उसको तोड़ने के बाद हम स्क्रू अंदर घुसा के उसको टाइट कर देंगे और ऐसे करके हम सब स्विचों को टाइट कर लेंगे। और हमने सब स्विचों के स्क्रू को टाइट कर लिया है। अभी इसके स्क्रू को भी हम टाइट कर लेंगे। और इसके अंदर सब फिट करके हमने स्क्रू भी टाइट कर दिया है। अभी इन सब में वायरिंग करेंगे। और ये हमारा प्लस वायर। आप वायर को ऐसे छील कर एक साथ स्विचों में लगा सकते हो। और स्विच के स्क्रू के अंदर ऐसे घुसा के आपको स्क्रू अच्छे से टाइट कर लेना है, क्योंकि लूज कनेक्शन होने से शॉर्ट सर्किट होके वायर जल जाता है। और स्क्रू को अच्छे से टाइट कर लेने के बाद बचे हुए कॉपर के वायर को कट कर लेना है। आपको और एक वायर लेके स्विच के दूसरे स्क्रू में घुसा कर उस वायर को इसके अंदर घुसा देना है और अच्छे से घुसाना है। और घुसाने के बाद स्क्रू को अच्छे से टाइट कर लेना है। अभी हम और एक स्विच का वायरिंग करेंगे। आपको फिर से एक वायर ले लेना है और उसको स्विच के सेकंड वाले स्क्रू में घुसा कर वायर को इस स्क्रू में घुसा लेना है और घुसाने के बाद अच्छे से टाइट कर लेना है। अभी हम तीसरे स्विच का वायरिंग करेंगे। आपको फिर से एक वायर के पीस को लेकर स्विच के सेकंड वाले स्क्रू में घुसा कर उस वायर को इस स्क्रू में घुसा कर अच्छे से टाइट कर देना है। और आप ध्यान रखना, अभी हमने प्लस वायर का ही वायरिंग किया है, अभी माइनस का बाकी है। और हम
हमारा प्लस का वायरिंग कंप्लीट हो चुका है, अभी माइनस का करेंगे। और हमने जिस जिस स्क्रू को छोड़ा था आपको वही स्क्रू में वायर को लगा लेना है। वाले में वायरिंग कर लेने के बाद आपको स्क्रू को अच्छे से कस लेना है। और हमारा इलेक्ट्रिक बोर्ड का वायरिंग कंप्लीट हो गया, अभी इसको हम फिट कर देंगे। अगर आप पहले से ही बोर्ड वायरिंग करते हो तो आपको ये देखने में आसान लगेगा, लेकिन अभी अभी जो जो सीख रहे हैं उनको देखने में थोड़ा सा मुश्किल लगेगा। अभी इन सब में हम स्क्रू से अच्छे से टाइट कर देंगे। और हो गया हमारा बोर्ड कंप्लीट। अभी इसको मैं टेस्ट करता हूँ और आप देखिए। और ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए।